हिंदी पीटिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है। ये भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। साथ ही यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर से जुड़ी कहानी बताएंगे। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास। कोणार्क में स्थित यह सूर्य मंदिर अपने निर्माण के 750 साल बाद भी अपनी अद्वितीयता, विशालता व कलात्मक भव्यता से हर किसी को निरुत्तर कर देता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से होता है। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर पुरी के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब निर्मित है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसीलिए इसे भगवान के रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था। यह मंदिर 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंग वंश के राजा नरसिंह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। पूरे मंदिर में स्थल को एक 12 जोड़ी चक्रों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए होते हैं और रथ को खींचने के लिए उसमें 7 घोड़े होते हैं। यह सूर्य मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा शानदार मंदिर विश्व में शायद ही कहीं हो, इसलिए इसको देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। भविष्य पुराण और सांबा पुराण के अनुसार इस क्षेत्र में इस मंदिर के अलावा एक और सूर्य मंदिर था, जिसे 9वीं शताब्दी या उससे भी पहले देखा गया था। इन किताबों में मुंडीरा यानी कि कोणार्क, कलाप्रिय और मुल्तान में भी सूर्य मंदिर बताए गए हैं। आइए आपको देते हैं कोणार्क मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी। सूर्य मंदिर के बारे में यह बात भी कही जाती है कि यह मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता स्वयं नियंत्रित करते हैं। इस मंदिर के रथ में लगे 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। वहीं इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर की प्रतीक का स्वरूप है। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थरों पर कई विषयों और दृश्यों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव भी पंच देवों में से एक हैं। ज्योतिष भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही इससे स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, सफलता आदि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहां के रहने वाले लोग भगवान सूर्य देव को बिरंची नारायण कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में नर्तकियों की आत्माएं आती है। आइए आपको बताता हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसकी वजह से उन्हें नारद जी ने कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ रोग होने का श्राप दे दिया था। वहीं श्राप से बचने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक कष्ट निवारण देव सूर्य का कठोर तप किया था। वहीं इसके बाद एक दिन जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में
भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया था जहां पर आज ये विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य देव को सभी रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। चलिए आपको बताता हूं कोणार्क सूर्य मंदिर के रोचक तथ्य के बारे में। पहला, कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा नरसिंह की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। इसके कारण इस मंदिर का अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। दूसरा, पौराणिक भारत के अलग अलग प्रांतों में धार्मिक उत्सवों के दौरान शोभा यात्रा में देव मूर्तियों को लकड़ी के बने रथ पर सजाकर श्रद्धालुओं के बीच में लाया जाता था। इसलिए यही माना जाता है कि सूर्य के इस मंदिर को रथ का रूप दे दिया गया होगा। तीसरा, कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही विशेष है और लोगों को आकर्षित करता है। इसीलिए कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है। चौथा, इस मंदिर में आज भी रात होते ही नाच करती आत्माओं की पायलों की झंकार सुनाई देती है। पांचवा, मंदिर के ऊपरी भाग में एक भारी चुंबक लगाया गया है और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी हुई है। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वो हवा में फिरते रहते हैं। इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण है। छठवा, ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। सातवा, इस मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। आठवा, इस मंदिर में एक जगमोहन हॉल भी है जो तकरीबन 128 फीट यानी कि 30 मीटर लंबा है और ऐसा कहा जाता है कि यह हॉल जैसे पहला था वैसा ही आज तक बना हुआ है। नौवा, इस सूर्य मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया था। दसवा, 1837 में यहाँ पर एक विमान दुर्घटना हुई थी जिससे मंदिर को थोड़ी बहुत क्षति भी पहुंची थी। ग्यारवा, 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। दोस्तों, मंदिर इतना भव्य होने के साथ साथ विश्व में इतना प्रसिद्ध है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हर वर्ष दूर दूर से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रेन मार्ग, सड़क मार्ग आदि से भी सफर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अभी लेंगे आपसे विदा, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए अलविदा। सेफ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।